फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हमारा तीसरा दिन है, तीसरा लेक्चर है, और आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन जो है बने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इसके अंदर सारे का सारा कंसेप्ट जो है कवर हो जाएगा, जितने भी क्वेश्चन जो है आपके होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और जो आपका एग्जाम है अप्रैल 2021 के अंदर, एयरफोर्स का है और एनडीए का है, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मैं एयरफोर्स के लिए बात करूंगा तो आपके जो 25 क्वेश्चन जो आने हैं उसमें से 20 से 22 क्वेश्चन वही आएंगे जो कि हमने ये जो 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर कवर अप करेंगे। और एनडीए की बात करें तो 120 क्वेश्चन जो आपके आने हैं उसमें से 60 से 70 क्वेश्चन जो है हम इजिली जो है कवर कर सकेंगे। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन और किस तरीके से सोल्व करने हैं, शॉर्ट ट्रिक भी करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मोस्ट स्टूडेंट तो जो देख रहे हैं उन्होंने तो किया हुआ है सब्सक्राइब, और भी कोई स्टूडेंट देख रहा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, जो भी अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता जाए। ठीक है ना, तो देखते स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। ठीक है, और आपको बताना है एक्स का क्यूब प्लस 3x। तो ध्यान से देखिएगा, ये एक्स है और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, क्यूब दे रखा है। यहाँ पे मतलब क्यूब तो करना ही पड़ेगा, तभी तो क्यूब आएगा ना। तो सबसे पहले इसका करते क्यूब। तो ये है आपका एक्स इक्वल टू ए की पावर 1/3 माइनस ए की पावर माइनस 1/3। ठीक है, इसका करते क्यूब। तो क्यूब करते हैं तो ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक्स का क्यूब अगर हमने किया तो ए की पावर 1/3 इसका क्यूब करेंगे माइनस ए की पावर माइनस 1/3 इसका क्यूब करेंगे। ए माइनस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ab और ए माइनस बी। ए माइनस बी तो ये है ही। ठीक है, ए माइनस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। तो इससे तो ये कट हो गया। अब ये हो गया एक्स की पावर 3, ये हो गया ए, ये हो गया माइनस 1/a और माइनस का 3x। अब ये 3x जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो x क्यूब प्लस 3x क्या आ गया, a माइनस 1/a, और ये आपका आंसर आ गया बस। ठीक है ना, सी आपका ये जो है आंसर हो गया। बस ध्यान से देखना क्वेश्चन के अंदर जो रिक्वायरमेंट है, जो चीज पूछ रखा है वही कर दो, क्यूब कर दो, अपने आप ही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा। अब क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा, ये होता है इक्वेशन के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। अब ये बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस 6 है, और अल्फा बीटा कितना है आपका, 1 है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, अल्फा माइनस बीटा का मोड निकालना। तो अल्फा माइनस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अगर इसको सोल्व करेंगे ना तो अल्फा माइनस बीटा ही बनेगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस 6, माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, और माइनस में 4 मल्टीप्लाई 1 तो कितना हो गया, 4, और इसका रूट ये कितना हो गया, 32, और 32 किसका रूट है, 32 का रूट क्या होगा, 4 रूट। तो आपका आंसर जो है सी आंसर जो है आ गया। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको बताना है किसकी रूट अल्फा बीटा है। तो अगर आपको ध्यान हो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर आपको याद है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, अगर आप इसके रूट निकालते हैं, रूट कौन से मेथड से निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। इससे अगर आप रूट निकालते हैं तो रूट आएंगे माइनस 1 प्लस रूट 3 आइटा बाय 2 आएगा, और सेकंड आएगा माइनस 1 माइनस रूट 3 आइटा बाय 2 आएगा, ये दो रूट आएंगे। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये ओमेगा है और ये क्या है, ओमेगा स्केयर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ते हैं चीजें। तो दो रूट है ये, तो एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है। आपको बताना क्या है कि अल्फा की पावर तो 19 और बीटा की पावर 7 किसके रूट होगा। तो यानी कि ओमेगा की पावर 19 और ओमेगा की पावर 2 और उसकी पावर 7। ओमेगा के 19 को क्या ले सकते हैं, ओमेगा, क्योंकि ओमेगा 18 जो है इसके अंदर 1 हो गया, और ओमेगा के 14 को क्या ले सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर।
अब ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा किसके रूट है, इसी के तो रूट है, अभी तो हमने निकाला था, तो ये किसके रूट आएंगे, ये इसी के रूट आएंगे, मतलब कि आंसर आपका क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन रिपीट भी होता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसके अंदर ट्रिक होती है, जैसे 5 5 5 चल रहा है ना इन्फिनिटी तक, तो आपका 5 ही आंसर आए। तीन ट्रिक है इसके अंदर, एक तो ये ट्रिक होगी, और एक ट्रिक होती है जैसे कि मान लीजिए आपको दे रखा है 6 प्लस में रूट 6 प्लस में रूट 6 इस तरीके से, और ये इन्फिनिटी तक है, इसके अंदर प्लस चल रहा है, और या इसके अंदर चलेगा माइनस 6 माइनस में रूट 6 फिर अंदर माइनस रूट इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कंजुगेटिव फैक्टर बना लीजिए, कंजुगेटिव फैक्टर जैसे 3 और 2, दो ऐसे फैक्टर जो कि लगातार हो, और अगर प्लस प्लस चल रहा है तो बड़े वाला आंसर आ जाएगा, और माइनस माइनस चल रहा है तो छोटे वाला आंसर आ जाएगा। तो एक ट्रिक ये वाली, एक ट्रिक ये वाली, और एक ट्रिक ये वाली, तीन ट्रिक होती है, तीनों ध्यान रखना। एक क्वेश्चन जो है हर बार तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आ जाता है, इसमें कंजुगेटिव फैक्टर बनाने हैं, प्लस है तो बड़े वाला और माइनस है तो छोटे वाला जो है आपका आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है रूट की, जो कंजुगेटिव इंटीजर है, तो कोई भी कंजुगेटिव इंटीजर है, ज़ूम कर लीजिए जो आपका मन करे, जैसे कि आपने मान लिया 2 और 3 दो कंजुगेटिव इंटीजर है, तो अब ये बताइए इक्वेशन क्या आएगी, सम ऑफ रूट बताइए, 5x आ गया, 5 आ गया ना सम ऑफ रूट 5x, और ये 6, क्लियर। तो अब ये बताइए बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, अगर इसको हम कंपेयर करें इसके साथ, और सी की वैल्यू कितनी है, 6 है, और आपको बताना है बी स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू, b का स्क्वायर 25 माइनस 4 मल्टीप्लाई 6, तो 25 में से 24 गया 1, तो आपका 1 जो है आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी पुट कर सकते हैं जो आपका मन करे, 2 3 करो, 3 4 करो, 4 5 करो, 5 6 करो, आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट है, इसके अंदर बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो कभी भी आपसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा की क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो जो वैल्यू पता है आप रख दीजिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, अपने आप ही जो उसका आंसर जो है आ जाएगा। तो सबसे पहले बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना है, सम ऑफ रूट माइनस 4, और अल्फा बीटा कितना है, 6। तो अगर यहाँ पे पुट करें माइनस 4 की पावर 3 माइनस 64 हो गया, और माइनस 3 ये कितना है 6, और ये कितना माइनस का 4, तो माइनस 64 6 3 18 3 54, ठीक है, और कितना हुआ 6 3 18 18 4 72 प्लस में 72, तो कितना आ गया 8 जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजी था, सिंपल, अगर फॉर्मूला याद है फिर तो हो जाएगा, देख कोई दिक्कत नहीं, और फॉर्मूला याद होना चाहिए आप। नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बोलता है रियल सॉल्यूशन है, रियल रूट है, तो रियल रूट कब होता है, रियल रूट होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब रियल रूट होता है। तो इसके अंदर b की वैल्यू कितनी है, k, और माइनस का k रहेगा, माइनस k स्क्वायर माइनस में 4 a की वैल्यू कितनी है 1, और c की वैल्यू है 64, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर माइनस में कितना हो गया 256 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 256, ठीक है ना, 64 गुना में 4, ठीक है, माइनस में 4 a और c, ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो अब जो k है उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस 16 और 16 के बीच में आएगी, मतलब इससे ज्यादा होनी चाहिए ना, तो इसकी वैल्यू जो है आपकी आएगी वो क्या आएगी, माइनस 16 से तो छोटी आएगी, मतलब k के वैल्यू लेस देन माइनस 16 और k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 16, ये आएगी, तभी तो k स्क्वायर की वैल्यू 256 से ज्यादा होगी, क्लियर। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने इसके अंदर लगा दी। अब इसी तरीके से इसके अंदर भी रियल रूट है सेकंड वाले के अंदर, तो इसके अंदर भी b का स्क्वायर मतलब 64, ठीक है, बी का स्क्वायर, ठीक है, b कितना है माइनस 8, लिख देते हैं माइनस 8 का स्क्वायर माइनस में 4 a और c, तो माइनस 4 k और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 k, ठीक है, तो k की वैल्यू लेस देन क्या आएगी 16। अब ये तो बोलता है ग्रेटर देन इक्वल टू 16, ये बोलता है लेस देन इक्वल टू 16, तो k की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई ना, जो दोनों में कॉमन है, तो k की वैल्यू क्या आ गई 16, क्लियर। तो बिल्कुल सिंपल जो फॉर्मूला वो लगाना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट जो है वो दे रखा है माइनस 3,
अभी बताइए प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है के माइनस 15, अगर 15 को उधर ले जाएंगे तो, और ये किसके इक्वल है, -3 के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, आंसर आ गया। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रूट दे रखा है और आपको एबीसी की वैल्यू जो है बतानी है, तो एक रूट है ये 2 माइनस माइनस रूट टू, कहने का मतलब 2 माइनस में रूट टू आइटा। ठीक है, तो पहले तो इसको रेशनलाइज करो, ए प्लस बी आटा की फॉर्म में लेके आओ, तो इसको हमने कर दिया रेशनलाइज, तो ऊपर तो बना 2 + √2 आइटा और नीचे बना 4 - 2 आइटा स्केयर, यानी कि 2 + √ डिवाइड बाय क्या बना ये 6। तो एक रूट ये है, तो इसका दूसरा रूट क्या होगा, कंजुकेट होएगा इसका, यानी कि 2 - √2 आइटा / 6 दूसरा रूट ये बनेगा। तो इक्वेशन अगर बनाएंगे तो सम ऑफ रूट करना पड़ेगा, तो इन दोनों का सम अगर करें तो क्या बनता है, 4 / 6 बनता है, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट करें तो ऊपर कितना बनेगा 6 और नीचे बनेगा 36। तो एलसीएम ले लिया आपने कितना, 36 ले लिया एलसीएम, तो 36 लिया तो यहाँ क्या आ गया, 36x² माइनस में 24x प्लस में 6 = 0। तो इस इक्वेशन को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो 6x² माइनस 4x + 1 = 0, और अगर हम इसको कंपेयर करो एबीसी से तो ए की वैल्यू क्या आ गई 6, बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी -4, और सी की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो आपका 6 - 4 एंड 1 ये आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल तरीके से करना था, कई बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, तो पहले उसको ठीक करो, रेशनलाइज करो, उसके बाद उसका कंजुगेट जो है सेकंड रूट आएगा, उसके बाद सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। उसके बाद है व्हाट इज द सम ऑफ रूट, तो इसके अंदर सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट होता है -b/a, यानी कि 7 - 4√3 डिवाइड बाय 2 - √3, इसका कर दो रेशनलाइज, तो ऊपर तो क्या आ गया 2 + √3 और नीचे क्या आ गया 2 - √3। क्लियर, तो अगर ऊपर नीचे अगर हम देखें तो नीचे आएगा क्या, नीचे आएगा आपका ई प्लस आना है ना, तो 4 - 3 नीचे तो 1 आ जाएगा, और ऊपर आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो गया 14 + 7√3 माइनस में 8√3 और माइनस में 12, तो ये आ गया 2 - √3। ठीक है, तो 7√3, हाँ 2 - √3 जो है ये आपका आंसर आ गया, हो गया बस ये। नेक्स्ट अब ये देखिए ध्यान से, अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से बेसिक से सोल्व करें तो इसको हमको लिखना पड़ेगा 8 + 2 और y, क्योंकि दोबारा से वही चल रहा है ना, ये इस तरीके से लिखना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे 2y + 8। ये क्यों लिखा, क्योंकि देखिए ये दोबारा से वही स्टार्ट हो गया ना, दोबारा से y स्टार्ट हो गया, तो y² - 2y + 8 = 0, तो इसके फैक्टर बनेंगे y - 4 और y प्लस का 2, ये फैक्टर बनेगा, गलत बनाए तो ये तो नहीं बने भाई, ये फैक्टर तो नहीं बने आपके, क्योंकि माइनस, हाँ ठीक है माइनस का तो होगा, ये उधर जाके माइनस का ही होगा ना। ठीक है, ये फैक्टर बन गए, वैल्यू आ गई 4 और -2, -2 हो नहीं सकती वैल्यू, क्योंकि जो रूट है हमेशा आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, तो आंसर कितना आ गया 4 आ गया। और इतना करने की बजाय अगर आप ये ना भी करना चाहो तो ये बताओ ना, 8 से कुछ ना कुछ ज्यादा ही आएगा, कितना ज्यादा आएगा, जैसे यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो यहाँ पे अंदाजा क्या है 9 है ना, इसको 9 मान सकते हैं अंदाजा, तो 9 का √3, 3 × 2 = 6, 8 + 6 = 14, तो 14 के नियर अबाउट रूट कौन सा है 4, क्योंकि आगे जो वैल्यू है ये भी ऐड होती जाएगी ना, वैसे भी कर सकते हैं या सिंपल तरीके से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोलते हैं कि रूट इक्वल है क्यों की वैल्यू बताओ, तो रूट इक्वल कब होता है, जब डी की वैल्यू 0 होती है, मतलब b² - 4ac = 0 होता है, और बी का स्केयर क्या, बी है माइनस का 5, इसका स्केयर माइनस में 4, ए कितना है 3 और सी कितना है क्यू, तो 25 - 12 क्यू = 0, और 25 = 12 क्यू, और क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 25/12, तो ये आपका डी जो है आंसर आ गया, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है 1 रूट ये है, तो दूसरा रूट आंख बंद करके आप ये टिक कर सकते हैं,
क्योंकि एक रूट कभी भी आपका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो दूसरा रूट उसका कंजुगेट होता है। और बेसिक से करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बोलता है कि थ्री इज द रूट, थ्री जो है इसका रूट है और के की वैल्यू बतानी है, तो रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, तो थ्री पुट कर दो यहाँ पे। थ्री पुट करा 9 - 24 प्लस के इक्वल टू 0, और -15 प्लस के इक्वल टू 0, और के की वैल्यू क्या आ गई 15। ठीक है, अगर रूट है तो सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट है, इसके अंदर बोलता है कि इसके रूट जो है वो रियल भी है और अनइक्वल भी है। रियल और अनइक्वल कब होते हैं बताइए? रियल और अनइक्वल होते हैं जब डी की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी का स्क्वायर कितना है? -5 का स्क्वायर, और -4a कितना है? 3, और ये कितना है? p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 25 - 12p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 25 और ये 12p उधर चला गया, और जो p है वो लेस देन हो गया 25/12, तो p इज लेस देन इक्वल टू 25/12। ये आपका आंसर आ गया। बस जो बेसिक फॉर्मूला लगाते जाइए, और अगर बेसिक फॉर्मूला किसी बच्चे को क्लियर नहीं है तो प्लेलिस्ट के अंदर देखेंगे ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से आपको लेक्चर मिलेंगे, 4 से 5 लेक्चर है उसके अंदर। उसके अंदर सारा बेसिक मैंने बता रखा है, शॉर्ट ट्रिक भी बता रखे है, सारा कुछ दिया हुआ। तो इसके अंदर आपको बताना है इसका सोल्यूशन। तो या तो आप क्या करो, 2kx इक्वल टू पुट करो y, बट उससे पड़ता है लेंथ ही, क्योंकि फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ फिर फैक्टर बनाओ। तो इसके अंदर हम करेंगे ट्रिक से, और ट्रिक क्या है आपकी? ऑप्शन ऑप्शन पुटिंग। तो सबसे पहले बताइए ऑप्शन कौन कौन से हैं? 0 है, 1 है और 2 है। बस यही ऑप्शन देख रहे हैं, 0 है, 1 है और 2 है। तो सबसे पहले कोई भी एक ऑप्शन पुट कर दो, जैसे कि 1 पुट करके देख रहे हैं क्योंकि 1 सभी के अंदर है। ठीक है, या 2 पुट करके देख लो, कोई भी एक पुट करके देख लो। तो 1 पुट करा यहाँ पे, 1 पुट करा तो 4 की पावर 1 4 हो गया, माइनस 2 की पावर अगर 1 करते हैं तो 6 मल्टीप्लाई 2 12 हो गया, प्लस में 8, तो क्या 0 आ रहा है? आ रहा है, यानी कि एक तो 1 ऑप्शन है ही आपका, मतलब डी आंसर नहीं हो सकता। और 1 के साथ अगर मैं 2 पुट करके देखता हूँ, तो 2 पुट करा तो 4 की पावर 2 कितना हो गया? 16, -6 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4, और प्लस में 8, तो 16 और 8 24, 24 में से 24 गया 0 आ रहा है। तो 1 और 2 दोनों आंसर आ रहे हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा, क्योंकि पुट कर रहे हैं तो सेटिस्फाई हो रहा है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ रूट जो है वो 3 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 है, तो इक्वेशन बताने हैं। अभी बताइए एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है? सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या है? 3 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है? 2। तो डायरेक्ट इक्वेशन आ गई बस ये, तो बस आपको पता होना चाहिए था कि सम ऑफ रूट कहाँ आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट कहाँ आता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ रूट? अभी बताइए सम ऑफ रूट कितना है? सम ऑफ रूट 10 है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है? 9 है। ठीक है, तो पहली बात तो ऐसे कौन से फैक्टर है जिनका सम करे तो 10 आए और मल्टीप्लाई करे तो 9 आए? 9 और 1 है, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 8 आ जाएगा। तो बिल्कुल इजी तरीके से हम इसको कर सकते हैं, वरना अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा इसके अंदर पुट करेंगे तो भी आपका आंसर 8 ही आएगा। नेक्स्ट है, इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, सिंपल। तो अगर एक्स वाई की वैल्यू 10 की होती फिर तो ऑप्शन भी पुट कर सकते थे, बट 2x - y की वैल्यू पूछा है, ये भी चैप्टर तो इक्वेशन ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल लो, ये है तो पॉलीनोमियल ना, इक्वेशन वाला चैप्टर आज जो है हम करेंगे। तो 8x - 9y इक्वल टू 20, और 7x - 10y इक्वल टू 9। तो इन दोनों को सेम कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो 8 से, पूरे इक्वेशन को। ठीक है ना, तो 7 से मल्टीप्लाई किया 56x - 63y और 140, और ये किया तो 56x - 80y और 9 कितना बना? 72। ठीक है, तो ये बन, तो अब देखिए सोल्व कीजिए, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो ये तो कट हो गया। अभी कितना बचा? ये बचा 17y और ये बचा 28, और 68 बचा, 17 चौके 68, वाई की वैल्यू आ गई 4। अब वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो किसकी आ जाएगी? एक्स की आ जाएगी। वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर लो तो 8x - 36 इक्वल टू 20, 8x = 56, एक्स की वैल्यू आ गई 7। ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दो तो 7 × 14 - 4 कितना आ गया? 10 आ। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू आई 7 और वाई की वैल्यू आई 4, दोनों इसके अंदर पुट कर दिया, आपका आंसर।
नेक्स्ट है रूट ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट कैसे आएंगे, तो डी निकाल लीजिए, डी से पता चलेगा डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और बी कितना है माइनस एट का स्क्वायर हो गया ये, और माइनस फोर ए कितना है वन, और सी कितना है सिक्सटीन, तो सिक्सटी फोर माइनस सिक्सटी फोर जीरो आ गए, तो रूट आएंगे इक्वल, तो इक्वल रूट किसके अंदर दे रखा है, इसके अंदर इक्वल और रियल रूट आएगा, ठीक है, डी अगर इक्वल टू क्या हो जीरो, तो इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट बताना है, इसका स्क्वायर रूट बताना है, तो पहली बात तो प्लस है तो प्लस में आएगा, मतलब ए और सी तो आंसर हो नहीं सकता, या तो बी होगा या डी होगा, अब या तो इसका रूट करो या जो ऑप्शन है उसका स्क्वायर करके देख लो, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट नहीं आएगा, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे ना, इसका स्क्वायर करेंगे थ्री प्लस फोर प्लस फोर रूट थ्री, तो आपका सेवन प्लस फोर रूट थ्री आएगा, तो ऑप्शन का स्क्वायर हमने करके देखा, तो आपका आंसर जो है क्या आ गया डी आंसर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ रियल रूट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट होता है ऐसा क्वेश्चन, तो इसके अंदर क्या करना होता है, मॉडुलस को तोड़ना है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, जब x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमने x की वैल्यू क्या ले ली पॉजिटिव, क्योंकि मोड को तोड़ना है, और एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस थ्री माइनस सिक्स, कब, जब x की वैल्यू क्या हो लेस देन जीरो, तो नेगेटिव ले लेंगे, ताकि नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, तो मोड आ जाएगा, तो इसके अंदर दो रूट बनेंगे x माइनस वन और x माइनस टू, मतलब कि वन और टू, और इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, तो इसके दो फैक्टर आपके जो बनेंगे एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू, तो इससे रूट आएंगे माइनस वन माइनस टू, क्या ये दोनों रूट, ये वाले दोनों रूट जीरो से बड़े हैं, और क्या ये दोनों रूट जीरो से छोटे हैं, बिल्कुल है, तो दो रूट यहाँ से आए और दो रूट यहाँ से आए, तो टोटल नंबर ऑफ रियल रूट कितना हो गया फोर, तो इसके रियल रूट कितने आएंगे चार आएंगे, क्लियर, तो बहुत इजी क्वेश्चन है बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन, आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है इसके अंदर बोलता है रियल रूट है तो कंडीशन बताइए, तो रियल रूट है तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी की जगह तो बी है माइनस फोर ए वन है, और सी कितना है फोर, ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्सटीन, तो बी की वैल्यू फोर से ग्रेटर और माइनस से चार से लेस देन, ठीक है, इक्वल टू जीरो है तो इक्वल टू भी आपका साइन जो है आएगा, तो ये कौन सा आंसर बनेगा आपका, ये बनेगा आपका डी आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर बोलते हैं इफ द सम ऑफ द रूट, तो सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अब ये देखिए अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, ये लिख सकते हैं, और ये तो अल्फा प्लस बीटा है ही, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस बी बाई ए, ये भी माइनस बी बाई ए, इसका स्क्वायर और माइनस टू अल्फा बीटा क्या है सी बाई ए, ठीक है ना, सी बाई ए, तो बस इसको सोल्व कीजिए, तो माइनस बी बाई ए ये हो गया बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर और माइनस टू सी बटे में ए, तब ये बताइए क्या आ गया एलसीएम आ गया ए स्क्वायर, ए स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो ये हो गया माइनस बी ए, ये हो गया बी स्क्वायर और ये हो गया टू ए सी, ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है, ये तो कट हो जाएगा एलसीएम, तो अब ये बच गया ऊपर वाला, तो बी स्क्वायर माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा ए बी, और माइनस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस टू ए सी, तो ये आंसर देखिए कहाँ है, ये आंसर आपका सी ऑप्शन के अंदर, तो सिंपल जो बोल रखा है वही लिख दिया और उसी के बेस पे सोल्व किया, तो आपका आंसर जो है आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सॉल्विंग ए प्रॉब्लम दैट द रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन स्टूडेंट मेक ए मिस्टेक, एक मिस्टेक कर दी, कहाँ मिस्टेक कर दी, कॉन्स्टेंट टर्म के अंदर मिस्टेक कर दी, तो क्या इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस इधर सम ऑफ रूट यहाँ पे x या प्लस यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन होती है, तो यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म होती है ना, यहाँ मिस्टेक कर दी, तो ये तो ठीक किया इसने, ये तो ठीक किया मिस्टेक, तो यहाँ पे करी, तो मिस्टेक करने की वजह से रूट आगे एट और टू, मतलब कि सम ऑफ रूट तो टेन ही आएगा ना, यहाँ तो कोई मिस्टेक ही नहीं करी है, ठीक है यहाँ मिस्टेक कर दी, तो इसको छोड़ देते हैं एक बारी, ठीक करेंगे ना इसको। एक दूसरा स्टूडेंट था उसने मिस्टेक कर दी कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री मतलब x, x के कोफिशिएंट में मिस्टेक कर दी, मतलब यहाँ तो ठीक किया यहाँ गलती कर दी, तो जो ठीक किया वो देख लो इसका, तो क्या है माइनस नाइन और वन रूट आए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट तो सही किया इसने, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या नाइन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई सही वाली, और जो आंसर है वो आपका कौन सा हो गया, ये आपका आंसर हो गया कौन से वाला, इसमें तो दोनों ऑप्शन सेम ही दे रखे हैं ए और बी, ठीक है, तो कहीं गड़बड़ होगी, तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं माइनस का कर लेते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा बी आंसर,
क्लियर, तो ध्यान देना, बस जहां मिस्टेक है उसको ठीक कर दो, जो ठीक है वो तो ठीक है ही, आपका क्वेश्चन हो गया बस। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ये आपके 25 क्वेश्चन जो है हो गए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कंप्लीट हो गया, तो ये कंप्लीट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। तो इसी तरीके से हम ये कंप्लीट करेंगे, आपका जो ये मेरा टारगेट है ये नियर अबाउट 10 तारीख तक हो जाएगा, और उसके बाद कोशिश रहेगी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वैसे तो ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है, बट कुछ क्वेश्चन और जो स्पेशल प्रीवियस ईयर के जो भी लास्ट एग्जाम हुए थे उनके अंदर आए थे, वो भी हम जो है ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे उसकी भी वीडियो प्रोवाइड कर, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के।